हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, मेरा देसी रोज है और अक्टूबर का महीना चल रहा है और मैं इसका कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ की कटिंग अक्टूबर में ही की जाती है। और मैं ये वीडियो नवंबर या दिसंबर में अपलोड करूँगी, जब इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। तो देखिए, सब मैं कटिंग करके, इसका कटिंग को भी मैं नहीं फेंकूँगी, सब रख दूँगी और बाद में मैं इसका कटिंग को लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए कटिंग की जाती है ताकि इसकी ब्रांचेस अच्छी आएंगी और इसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। तो देखिए, कोई भी पौधा में खाद डालने से पहले उसका कुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है और उसका मिट्टी भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें कौन कौन सा खाद डाल रही हूँ। देखिए, मैं अपने घर का ही सारा खाद डालती हूँ, ज़्यादा फर्टिलाइज़र मैं यूज नहीं करती हूँ। तो देखिए, मैं 2 साल पुराना गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट और ये गोलकी पाउडर है और ये वाइट वाली बेकिंग सोडा है। अब इन सभी को मिक्स कर दूँगी और मिक्स करके अपने पौधे में डालूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं वाटरिंग करूँगी। वाटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अच्छा से करना चाहिए। देखिए, 15 दिन बाद कितने अच्छे लीव्स आए हैं इसमें और कलियाँ भी आ गई है। देखिए कितना अच्छा कलियाँ आ गई है इसमें, और ये काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग करता है, पूरे साल इसमें फ्लावरिंग होते रहती है। देखिए कितना अच्छा अपडेट है और देखिए कितना सुंदर फ्लावरिंग हुआ है, बहुत अच्छा फ्लावरिंग होता है इसमें, मुझे तो बहुत पसंद है ये फ्लावर। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।